फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कामत मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉनवेज में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं पनीर चिल्ली। ये रेस्टोरेंट जैसा स्वाद वाला आप घर में ही बना के खा सकते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए बताती हूं। ये है एक बाउल पनीर पीसेस, ऐसे लंबा लंबा सा कट किया हुआ है, ऐसे इतना ज़्यादा रखना है आपको, ऐसे कट किया हुआ है। ये है एक बाउल ऑनियन पीसेस, ऐसे चौक चौक कट कर लिया है, आप लंबा भी काट के ले सकते हैं। ये है हाफ बाउल कैप्सिकम पीसेस, आप एक बाउल भी ले सकते हैं आपको अच्छा लगता है तो। ये है कॉर्नफ्लोर और मैदा, एक 3 टेबलस्पून लिया है मैंने, दोनों मिक्स करके रखा है, ये बाइंडिंग के लिए चाहिए। और ये है कॉर्नफ्लोर स्लरी, कॉर्नफ्लोर को मैंने एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को 3-4 टेबलस्पून पानी में ऐसे मिक्स करके रखा है। और ये है चिल्ली पाउडर 3 टेबलस्पून लिया है, तीखा कम चाहिए तो कम डाल लीजिए। ये है सोया सॉस 1 टेबलस्पून लिया है मैंने। ये है टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप भी ले सकते हैं, ये है 2 टेबलस्पून लिया है मैंने। ये है गार्लिक पीसेस बारीक कट किया हुआ, ये है 3 फ्लेक्स लिया है मैंने बारीक कट किया हुआ। ये है पेपर पाउडर 2 टीस्पून लिया है मैंने। ये है ग्रीन चिल्ली पीसेस, ऐसे लंबा लंबा कट किया है, ये 3-4 ग्रीन चिल्ली लिया है मैंने, आप तीखा कम चाहिए तो ये मत डालिए। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है 1 टेबलस्पून लिया है मैंने। अभी इतना इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, अभी नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। फ्रेंड्स, अभी एक मिक्सिंग बाउल लेना है आपको। मिक्सिंग बाउल में आपको कॉर्नफ्लोर और मैदा जो मैंने बताया था वो थोड़ा ऐसे डाल लीजिए। फिर इसमें स्वाद अनुसार ऐसे थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर डाल लीजिए। फिर इसमें चिल्ली पाउडर ऐसे थोड़ा सा ऐसे डाल लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा ऐसे पानी डाल लीजिए। चाहिए तो आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सब ऐसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से हाथ से। ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा पानी चाहिए तो आप भज्जी का पैटर्न जो करते हैं उससे थोड़ा सा पतला रखिए, ऐसे इतना ऐसे मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें आपको ये सब पनीर पीसेस जो मैंने बताया था वो सब ऐसे डाल लीजिए, ये सब ऐसे घर डाल के ऐसे मिक्स करके एक 10-15 मिनट मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। फ्रेंड्स अभी कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें अभी आपको जो हमने मैरिनेट करके रखा था पनीर पीसेस वो ऐसे डाल के डीप फ्राई कर लीजिए। सब ऐसे डाल लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, ऐसे इतना लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए और निकाल के रखिए। फ्रेंड्स अभी मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें 1.5 टेबलस्पून तेल लिया है। मैंने कुकिंग ऑयल सादा सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप चाहिए तो इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें गार्लिक पीसेस जो मैंने आपको बताया था वो ऐसे डाल के फ्राई कर लीजिए। फ्रेंड्स अभी ऑनियन पीसेस जो मैंने आपको बताया था वो ऐसे डाल दीजिए। फिर इसमें ग्रीन चिली पीसेस वो भी डाल दीजिए और कैप्सिकम पीसेस, सब तीनों मिला के क्रंची रखना चाहिए आपको, रखना है उतना ही फ्राई कीजिए। फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा ऐसे फ्राई होते ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। उसमें आपको फिर पेपर पाउडर और फिर उसके बाद चिली पाउडर आपको जितना तीखा चाहिए उतना देख के डाल दीजिए, क्योंकि हमने पनीर फ्राई करते वक्त भी चिली पाउडर ऐड किया है। आपको तीखा कम चाहिए तो कम डाल दीजिए, ऐसे डाल के मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें
ऐसे नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा डालिए क्योंकि हमने पनीर फ्राई करते वक्त इसमें डाला था नमक। फिर इसमें सोया सॉस, फिर टोमेटो केचप। अगर आपको टोमेटो केचप अच्छा नहीं लगता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे डाल के फ्राई कर लीजिए। फिर इसमें कॉर्नफ्लोर स्लरी, कॉर्नफ्लोर जो हमने पानी में मिक्स करके रखा था तो ऐसे डाल लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और ऐसे फ्राई कर लीजिए थोड़ा सा। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा ऐसे फ्राई करने के बाद आपको इसमें पनीर पीसेस जो हमने फ्राई करके रखा था ऐसे मिक्स कर दीजिए सर। एक 5 मिनट तक ऐसे फ्राई कर लीजिए, ये थोड़ा सा कोटिंग हो जाएगा। फिर हम आपको मैं अभी प्लेटिंग दिखाती हूँ। देखिए ऐसे बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें मैंने कलर, अजीनोमोटो कुछ भी ऐड नहीं किया है, आप भी मत ऐड कीजिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो। फ्रेंड्स, अभी हमारा पनीर चिली रेडी हो गया है, मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ऐसे प्लेटिंग कर लिया है। आप इसके ऊपर ऐसे ऑनियन रिंग्स डाल के खा सकते हैं। आपको अगर ऑनियन रिंग्स अच्छा नहीं लगता है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामस वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।